just we have to interchange R1 and R2. So this is our R1, this one is R2. दोनों को हमें एक दूसरे को इंटरचेंज करना है, तो हमें क्या मिलेगा? -1310. That's it. Sum is over. ठीक है, सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? लिख रहा नहीं स्क्रीन पे. स्क्रीन शायद अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये दो स्टेप में लिखा है बस. तो सिर्फ क्वेश्चन ही दिख रहे हैं. फ्रीज हो गया सर. मैं कुछ भी कैमरा ऑफ करके ऑन करो. हाँ सर दिख रहा है अभी. अगर दिख रहा है तो ध्यान दे रहे हो, ये अपना मैट्रिक्स ए था, रो वन रो टू. क्वेश्चन था जस्ट आर वन आर टू को इंटरचेंज करो. इस सिंबल का मतलब हुआ इंटरचेंज करो, और मैंने सिर्फ इसको इंटरचेंज किया तो -1310 ऊपर गया, 1010 नीचे आया, बस. कुछ दिख रहा है सर? मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया एकदम. नहीं सर दिख रहा है सब कुछ. तेरा हुआ ना, बाकी लोग का देखने दे सर. क्लियर दिख रहा है बाकी लोग को? दिख रहा है तो दुबे जी तुमसे थोड़ी पता है. दुबे जी? यस सर. अब थोड़ा तुम लोग मेरे पे. हाँ तो वही, तुम लोग सिर्फ मुझे ही बदनाम करते हो. कैजान वो तो रहेगा ही ना भाई. चिंचपाड़ा में कौन सा नेटवर्क रहता है? तो पहला वाला दिखाओ जरा एक मिनट. हाँ सर. ओके ओके. Now in second question again matrix B is given, B करके दिया हुआ है और question ये बोल रहा है हमें ये करना है. देखो R1 changes to R1 minus R2. मैंने एक चीज आपको कल क्लियरली कहा था, जो यहाँ लिखा होगा सिर्फ उसी रो या कॉलम में जो भी लिखा होगा वहीं पे सारे ऑपरेशन होंगे. क्या होंगे? ये यहाँ लिखा होगा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है R1 या R2 या C1 C2 C3 जो भी लिखा होगा, यहाँ जो लिखा होगा उस रो या कॉलम में ऑपरेशन होगा. लेकिन क्या ऑपरेशन होगा ये बताएगा. ठीक है, समझा मेरी बात? सो वी हैव R1 माइनस R2 करना है. तो R1 माइनस R2 मतलब क्या करना है? दिस इज R1, दिस इज R2. तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2, 5, 4 एज इट इज. दिखा? हाँ भी दिखा. गुड. ऐसा ही एक सम है, सब इजी सम है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है. ठीक, तो इजी जी सम है. मैं ले रहा हूँ एक सम ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करके है. इसमें सिर्फ आपको ऑपरेशन समझाया जा रहा है. कंटिन्यू सर. मैट्रिक्स ए इज वी हैव 1 2 3 -1 1 3 3 0 1.
इसमें दो क्वेश्चन है. फर्स्ट 2.3R3 3R3 फाइंड करने बोला, मतलब क्या हुआ? R3 changes to 3 into R3. अपना रो 3 ये है, ये रो 3 है बराबर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है. तो ये आपके लिए इजी काम है. इजी काम क्या है? दिस इज नाउ इक्वल्स टू R3 में काम होगा तो R1 R2 डिस्टर्ब नहीं होने वाला है. इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने बोला तो 3 into R3 में 9 9 3. ठीक है. ओके. अब इसमें एक और ऑपरेशन यूज करने बोल रहा है. ऑपरेशन यूज करने बोल रहा है C3 plus 2C2, मतलब C3 changes to C3 plus 2C2. ये कर. अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे पहले मैंने रो ऑपरेशन किया, अभी कॉलम कर रहा हूँ. ये किसी भी सम में नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट ऑपरेशन हम लोग सीख रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो दोनों चीज साथ में नहीं होंगे. ठीक है. सो C3 changes to C3 plus 2C2. C3 मतलब ये है कॉलम 3 बराबर. अब कॉलम वाइज ध्यान देना है, रो वाइज नहीं, ये कॉलम 3 है आपका. तो सम में क्या हो जाएगा? पहला कॉलम को कुछ नहीं होगा क्योंकि C3 में सब चेंजेस आएंगे, दूसरे कॉलम को कुछ नहीं होगा. थर्ड कॉलम इज दिस, और क्वेश्चन था C3 plus 2C2 C3, इट मींस दिस प्लस 2 into C2. सो 3 plus 2 into -1 -2, दैट इज 1. थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, यूज मत होना, ये पे ध्यान दो. 3 plus 2 into -1 -2, 3 plus -2 इज 1. 0 plus 2 into 1 2 0 plus 2 is 2, and 3 plus 18 3 plus 2 into 18 21. Sir, screen freeze हो गया वापस आपका. हाँ हो गया. हाँ बराबर. ठीक है, समझा क्या? हेलो सर. हाँ बोलो. इसमें मैथमेटिकल लॉजिक जैसा नहीं करेंगे क्या? ये देखो इधर 2C2 दिया है, तो पहले C2 को कन्वर्ट करेंगे 2C2 में, बाद में C3 plus 2C2 करेंगे. कर सकते हैं, वैसा करेगा तो 2-3 दिन तेरे को लगेगा. मैंने एक स्टेप में सॉल्व किया, इसमें मैथमेटिकल लॉजिक का बात आ गया. सर मुझे ये नहीं समझा. हेलो, नहीं, तुम वापस बोल क्या बोला सर? मैं समझा नहीं, वापस अपना क्लिक हुआ. मैंने C2 को 2C2 कन्वर्ट किया, इधर 2C2 दिया है ना. हाँ तो मुझे नहीं, आपको हमेशा फोकस करना है यहाँ पे. ये C2 को चेंज ही क्या करना है? हेलो सर, स्क्रीन गए सर. सर एग्जिट हो गए. अरे वो C3 में क्यों ऐड कर? सर R1 changes to R1 minus R2 था, तो एक काम करते हैं, R2 में पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये करते हैं. ये भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हाँ सर. मैं क्या पूछ रहा हूँ वो समझ. आपको फोकस किस पे करना है? फोकस करना है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं. यहाँ C3 में ही सिर्फ चेंजेस आएंगे, बाकी में हम गेम नहीं खेल सकते. C3 के लिए ये पूरा गेम हुआ है. C3 plus 2C2 C3 के लिए हुआ है, C2 के लिए नहीं. तो C2 में आप कुछ नहीं जाओगे. हमारे रिक्वायरमेंट C3 के लिए थी. अभी सम ले रहा हूँ, सम है आगे.
तो जैसे ही उसको सॉल्व करेंगे तो आइडिया मैं क्या बोलना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सब लोग के सामने हाँ सर एक डाउट था सर, वहां पर तो ये नहीं बोला ना कि C3 चेंज हो रहा है C3 प्लस C2 में, तो सर कैसे मालूम पड़ा वो? नहीं पहले C3 पहले C हुआ था इसलिए मैंने C3 में ही चेंजेस लाए. लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ इस तरह के सम्स आपको एग्जाम में नहीं दिखेंगे. सम्स कैसे दिखेंगे वो देखो, मैं अगला नेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो. ओके सर. मेरे ख्याल से मैं इसमें जितना पढ़ा रहूंगा तुम लोग उतने कंफ्यूज होंगे, फटाफट सम सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को क्लियर होगा कि क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है वीडियो को, जरा ये करना स्टार्ट करना होस्ट, मेरा वीडियो मुझे ही दिख रहा है. दिख रहा है सर हमें, दिख रहा है सर लोगों को, दिख रहा है? अच्छा मुझे नहीं दिख रहा, छोड़ लोगों को दिखना जरूरी है. सो द क्वेश्चन इज यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन. सर 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 नहीं दिख रहा है, आउट हो गया. हाँ अब नहीं दिख, ब्लैक हो गया पूरा स्क्रीन. कुछ सेकंड में दिखने लग जाता है तुम लोगों को, कुछ सेकंड में अपने आप ब्लैक आउट हो जाता है. व्हाट इज गोइंग ऑन सर? हाँ दिख रहा है. सी माय क्वेश्चन इज हियर, द क्वेश्चन इज यूज सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट दिस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब याद करो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था? नीचे वाला जीरो. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट मींस मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, बराबर? यस हां सर. 11th का अगर कल तुम लोग ने रिवाइज किया है तो उसमें सिंपल बताया गया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो. तो अगर मुझे ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है इसका मतलब 3 को जीरो करना है. बात समझ में आ रही है? आ रही है सर. हां सर. अगर इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो 3 को जीरो करना है, करेक्ट? इसलिए मैं 3 को जीरो करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. कभी भी ध्यान देना, आपको रो वाला काम ज्यादा इजी पड़ेगा, कॉलम थोड़ा कंफ्यूज करेगा. तो अगर कहीं भी लिखा नहीं है कि रो यूज करो या कॉलम, कौन है बे? कोई तो चला रहा है? अमन घर में ही है ना कि मच्छी मार्केट में पहुंचा है, मच्छी काट के दे रहे तेरे को? सर रबर था. अच्छा फिर ठीक है. सारा का तो पॉइंट ये है, मैं ये बोल रहा था ध्यान से कुछ कुछ चीजें सुनो, सम सॉल्व करोगे आपको इजीली समझेगा. पॉइंट ये है कि जनरली अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बोलता है जहां पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे या कॉलम, तो हम लोग रो ही यूज करेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है, कॉलम थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज करता है. लेकिन अगर मेंशन कर दिया फिर तो वही करना पड़ेगा जो बोला है. तो इसमें मुझे सिर्फ इतना बोला है कि इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है, तो मुझे आइडिया आया कि इसको मुझे जीरो करना है, 3 को जीरो करना है. तो 3 को जीरो कैसे करेंगे? क्योंकि 3 मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको 3 सेकेंड रो में है, तो R2 में चेंजेस आएंगे. ठीक है, R2 में चेंजेस आएंगे. R2 में क्या आएंगे? मैं कर रहा हूँ R2 माइनस 3 R1. वो ज्यादा बेटर होगा, आगे आपको और समझेगा अमन. हम लोग जितना ज्यादा सम सॉल्व करेंगे समझेगा सर. फिर अभी फिलहाल तो उतना कर सकते हैं ना, अगर करना है तो. नहीं, जो चीज आगे यूज होगा मैं उसी में क्यों ना जाऊं. वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को दूर करते हैं, जो चीज यूज होगा मैं उसमें जा रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स में सब यही यूज होने वाला है. हम लोग हमेशा 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 ये फिक्स कर लो अभी कि आप लोग किसी दूसरे रो के बेसिस पे ही ऐड या सबट्रैक्ट करो, और किसी दूसरे रो के बेसिस पे कॉलम के बेसिस पे ऐड या सबट्रैक्ट करो, ये ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आपको इनवर्स में काम आने वाला है. होगा भाई, सब सारे सम्स वैसे ही बनाए गए हैं, टेंशन मत ले. यही तो डिफिकल्टी ना करे हो गया तो अमन भाई, यही तो चैलेंज रहेगा, वही करना है. So R2 minus 3 R1, R2 minus 3 R1 करूंगा तो देखो क्या हो रहा है. R1 को कुछ नहीं होगा, as it is रहेगा. अब R2 is 3, 3 minus 3 into 1, ये तो 0 हो गया. 4 minus 3 into
टू, फोर माइनस टू माइनस टू माइनस सिक्स बराबर दिख रहा सबको बराबर है कि नहीं है? आर टू आपका यहाँ फोर है, क्लियर है, फोर है, माइनस थ्री इंटू टू इज सिक्स, तो फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू, सो दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इतना ही करने बोला था, सम सॉल्व हो गया। सर अपने वाला कंडीशन क्यों लिया आर टू? सर फोर को भी जीरो कर सकते हैं ना? किसने कुछ पूछा क्या? हेलो सर। हाँ बोल। हाँ सर अगर उसकी जगह पे दूसरे नंबर रहेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करना है क्या, अलग हो जाएगा? मैं क्वेश्चन वापस नहीं समझा, फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? आर टू गिव्स आर टू माइनस, मुझे मुझे सुन, मुझे अपर ट्रायंगुलर बनाना था बराबर है? हाँ। अगर मुझे अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो मुझे ये एलिमेंट को जीरो करना था, अगर मुझे बोलता लोअर ट्रायंगुलर बनाओ तो मुझे ये एलिमेंट को जीरो करना रहता। हाँ। तो मतलब तभी सबसे पहले ये सुन, सबसे पहले ये फोकस करना है कि कौन से रो में ये खेल होने वाला है। हाँ। मुझे कौन से रो में चेंजेस चाहिए तो पहले उस रो को लो। हाँ समझा सर। और उसके बाद क्या करना है वो यहाँ लिखो। अब जैसे कि सुन, अभी एक सम और करूंगा तो और ज्यादा इजीली समझेगा। सेकंड सम एट, क्वेश्चन नंबर एट थे, क्वेश्चन नंबर एट क्या बोला है ध्यान दो, वन माइनस वन टू थ्री दिया हुआ है, इसको बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझा? हेलो। हाँ हाँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझा, हमें क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ऐसा करना है, वन जीरो जीरो वन ऐसा दिखना चाहिए ये। हाँ सर। ठीक। हाँ हाँ। तो मुझे अगर इसको वन जीरो जीरो वन बनाना है, ये ऑलरेडी मेरा वन है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको वन बनाना है। कंडीशन लेंगे सर, है ना? हाँ। अब ध्यान से एक बात सुनो, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा सर, पीटते रह जाओगे, बोलोगे सर हर बार अलग अलग आंसर आ रहा है तो मीनिंग नहीं है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अभी इस सम में वो रूल मैं नहीं भी अप्लाई करूंगा तो सम सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रूल कैसे होता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना, मैंने पहले एडजॉइंट सॉल्व करवाता, तुम लोग को ज्यादा इजी लगता, तुम्हारी आदत है तो वो ज्यादा समझ में आता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बार बार मैं बोलूंगा कंफ्यूज करने वाला है, उसमें ही तुम लोग फंस रहे हो, वो दिख रहा है। अब देखो, इसको वन, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको वन करना है। मुझे कोई मेथड लेने नहीं बोला, सिर्फ बोला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, तो मैं रो ले सकता हूं या कॉलम भी ले सकता हूं, मैं रो लूंगा। अगर मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूं, मैं दोनों तरफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना। अगर मैं कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ये तो ऑलरेडी वन है, इसको जीरो बनाने जाऊंगा। इसको जीरो कैसे बना सकता हूं? देखो, इसको जीरो बनाना मतलब ये आर वन में ही है, R1 changes to, क्या कर सकते हैं बोलो? हेलो। इसको मैं R1 कैसे बनाऊं? माइनस टू करके R1 को माइनस टू कर देना और R2 में ऐड कर देना। नहीं समझा, अमन जरा वापस बोल। सर R1 को टू से इनटू कर देना है। ओके। और फिर वो जो R2 है उसमें सबट्रैक्ट कर दें। R2 इज इक्वल्स टू, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देखो, अभी देखो, अगर जो जो अमन बोल रहा है उसके हिसाब से एक चीज ऐसा हो सकता था, क्या हो सकता था पता है? 3 इनटू R1 प्लस R2, देखो जरा, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3 होगा, प्लस 3 जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो, क्या सर फिर से बोलना? मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखा सर, वो नीचे करो ना सर, दिख नहीं रहा नीचे। हाँ, या तो बुक ऊपर। ओके ओके,
सर आपका स्क्रीन फ्लैश करवाओ ना, बार बार स्क्रीन हट जा रहा है। R1 से अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा, अरे होस्ट हमारा कहाँ है पता नहीं। R1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस 3 हो जाएगा, प्लस R2 किया प्लस 3 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना ये। हाँ सर। हाँ यस सर, यस यस। लेकिन लेकिन देखिए एक बड़ा गेम होने वाला है, अभी ध्यान देना सब लोग। जो तुमने बोला उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ, देखो चलेगा। सुन तो भाई, कितना बड़ा गेम होगा वो देख। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ देखो, सो गड़बड़ क्या होगा, देखो अभी ये प्रॉब्लम आने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ, सम सॉल्व नहीं हो रहा है, गड़बड़ होने जा रहा है। 3 इंटू आर वन, तो R1, क्योंकि R1 में होगा तो पूरे R1 में चेंजेस आएंगे, तो 3 इंटू आर वन, 3 इंटू वन इज 3, प्लस 2 ये 5 हो गया, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 3 प्लस 3 ये 0 हो गया, 2 3 एज इट इज हो गया, ठीक है? ये कैलकुलेशन समझा? नहीं सर। हाँ सर। अरे नालायक, ये फॉर्मूला में वैल्यू रखना। समझा सर। ये फॉर्मूला में वैल्यू रखो ना, जो यहाँ लिखा है, कभी भी जो यहाँ लिखा है उसमें अपने वैल्यू रख के चेक करो ना क्या आ रहा है। हाँ सर, किया। ये R1 है, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, ये तेरा R1 का वैल्यू है ना, ये R1 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 1 3 प्लस R2, इसका R2 क्या है 2, 3 प्लस 2 क्या होगा 5, फिर 3 इंटू R1 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 0। हेलो। हाँ सर, समझे। अच्छा, लेकिन अब एक बड़ा गड़बड़ क्या हुआ, कुछ समझा? एक गड़बड़ हुआ यहाँ पे, क्या गड़बड़ हुआ? 2 को 0 करने के लिए प्रॉब्लम आएगा हमें सर, ये को 0 कर लिया पर बाकी सब को हम लोग हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, मतलब मुझे बनाना था 1001, ये ऑलरेडी मेरा 1 था, इसको 0 के करने के चक्कर में ये मेरा 5 हो गया है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, इसीलिए ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए एक रूल है। देखो ये सम अभी भी सॉल्व हो सकता है, ये सम में अभी प्रॉब्लम नहीं है। क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व हो सकता है? देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे 1 बनाना है वापस, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये R1 में ही है, तो R1 changes to R1 into 1 upon 5। तो R1 में अगर 1 upon 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो गया, 0 upon 5 तो 0 ही रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा, देख लो। क्योंकि ये एक जनरल सम है, इसमें सॉल्व हो रहा है, लेकिन अदरवाइज जब इनवर्स फाइंड करने जाओगे तो ये मेथड सब फेल होगा। आप मेंटली सिर्फ एक चीज पे ध्यान देखो दे दो अभी इस समय फिलहाल, कि हम लोग आप क्या सीख रहे हो पता है, ऑपरेशंस कैसे यूज होता है, सम कैसे सॉल्व हो रहा है वो भूल जाओ, ऑपरेशंस कैसे यूज होता है और आपको क्या दिमाग चलाना है उस पर ध्यान दो बस। एक्चुअल चीजें थोड़ी देर के बाद वापस होंगी। अब ये 1023 हो गया, ये 10 हो चुका है, मुझे इसको 0 बनाना था और इसको 1 बनाना है, बराबर है? इसको 0, इसको 1, इसको अगर 0 बनाना है तो अब इजिली क्या हो सकता है, ये R2 में है, तो मैं लिखूंगा R2 changes to R2 minus 2R1, देख लो 2R1 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। R2 माइनस 2R1 किया तो वैसे भी R2 में कर रहा हूं तो R1 को अभी टच ही नहीं करना, R1 एज इट इज रहेगा, R2 में सारे गेम होंगे, तो ये R2 है, तो R2 माइनस 2R1, सो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 0 वो 3 ही रहेगा, 2 इंटू R1 है ना, 2 इंटू R1, R1 का एलिमेंट यहाँ 0 है तो 2 इंटू 0 इज 0, तो 3 माइनस 0 3 ही रहेगा, मतलब आपको आगे क्या मिलने वाला है, आपको आगे मिलने वाला है 10 as it is, ये हो जाएगा 03। हाँ सर।
यहाँ से हम लोग ये ऑपरेशन यूज करके यहाँ पहुंच गए हैं, अब मुझे इसको वन बनाना है, ये आर टू में है, तो इजिली आप बोल सकते हो आर टू चेंजेस टू आर टू इन टू वन बाई थ्री, तो आपको आंसर मिल गया। देखो जीरो, जीरो बाय थ्री इज जीरो, थ्री बाय थ्री इज वन, ये आपका आंसर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। हाँ सर, बट कंडीशंस बहुत लेने पड़े, स्टेप्स लॉन्ग होंगे भाई सर। ये बहुत इजी हो गया मेरे भाई, आगे तुम्हारी बैंड बजने वाली है, ये बहुत इजी हो गया। जब तक इसमें इनवर्स में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप फंसोगे। है सम बहुत इजी, लेकिन सोचना पड़ेगा, तो जो लोग थोड़ा भी दिमाग लगाने से बचते हैं वो फंसेंगे, और प्रैक्टिस इसमें अच्छा चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूज होकर रॉन्ग करते हैं लोग। ये सबसे इजी वाला पार्ट था अभी, किसी को अगर छापना है देखना है तो अच्छे से देख लो। ये तीन स्टेप्स यहाँ यूज हुए हैं, लास्ट स्टेप मैंने यहाँ यूज किया है। मुझे सिर्फ क्वेश्चन दिया गया था कन्वर्ट दिस इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने कुछ भी करके जो रूल होता है वो नॉर्मल रूल अप्लाई करके ऑपरेशन वाला मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। हेलो सर, आपने सर बोला कि दो रो यूज कर सकते हैं ना? हाँ, दो रो यूज करना है हमें ना, मतलब एक दूसरे को बदलने के लिए। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। हाँ, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आप एक ही रो यूज किया? मल्टीप्लिकेशन में सिंगल रो में ले लिया मैंने, किसी भी सिंगल रो या कॉलम में खेलेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में दूसरे का हेल्प लो, मल्टीप्लिकेशन में किसी भी एक का, जिसमें खेल खेलना है उसके साथ खेलो, अगर दूसरे का लेना पड़ेगा तो भी लेंगे, वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन खुद में ही खेल खेलो। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला दिखाओ सर, स्टेप्स फर्स्ट तीन। क्वेश्चन नंबर 8 हेलो सर। हाँ सर, पूरे लेसन में तीन ही एक्सरसाइज है ना? हाँ, उसमें से भी तुमको छोटा कर दिया गया। हाँ नहीं, मुझे लगा मेरे टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है। नहीं, उसमें आई थिंक अगर देखोगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A 2B करके दिया हुआ है। हाँ सर। सर रुको, आपका स्क्रीन बार बार जा रहा है। हेलो सर। हाँ बोल। हाँ सर, वो एडिशन में दूसरे की हेल्प नहीं ली तो भी चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं लेंगे ना तो चलने की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ, आगे जब सम सॉल्व करेंगे ना तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा दूसरे का हेल्प लेना ही बेटर है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में दूसरे का हेल्प लेना ही बेटर है। मैं अभी थोड़ा एक बड़े सम की तरफ जा रहा हूँ। दिख रहा है क्या ये सारे स्टेप्स? हाँ सर, अभी दिख रहा है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट तीन स्टेप, नेक्स्ट सम ले रहा हूँ मैं सर। नेक्स्ट स्टेप दिखाओ, एक सेकंड। दिखा? नहीं सर। सर शायद वापस स्क्रीन फ्रीज है। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है आपका। क्या बात कर रहा है यार, स्क्रीन दिख रहा है पर फ्रीज हो गया है। बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन पूरा दिख रहा है। यस सर, एज यूजुअल है। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है, बस ओम पांडे दिख रहा है। सर जो बोलेगा वो दिखेगा, मेरे साथ भी हो रहा है। सर किस स्क्रीन पे डबल टैप कर? मेरे स्क्रीन पे डबल टैप करने से क्या होगा मुझे? सर नहीं नहीं, खुल जाएगा आपका, फिर आपका वीडियो पिन होता है। नंबर 9 क्या है? हाँ है सर।
क्या है क्वेश्चन? हाँ सर है, बहुत बड़ा क्या है बता, क्या लिखा है? सर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना। ओके मुझे सम देखना पड़ेगा, मेरे पास सम नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक। कोई सम्स दिखाओगे? मैं दिखाता हूँ सर। चेतन दिखा रहा है। हाँ एक मिनट ना, कोई तो दिखा रहा है लेकिन चेतन इलाक दिखा रहा है, लेकिन मेरे को तो दिखना चाहिए, इतना छोटा रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा है सर। वो फ्लैश किया कुछ ना मन आया ट्रांसफॉर्म। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड है चेतन, ऐसे रख ऐसे रख ऐसे रख ऐसे रख। 1 2 3 -1 1 2 2 3 4 Okay, and the question is upper triangular matrix by suitable column transformation. Okay, good. Thank you. Okay, अब देखो अगर आप लोग को दिख रहा है तो दिख रहा है सर। अब order 3x3 है, the matrix is having order 3x3, ठीक है, और इसको मुझे अपर ट्रायंगुलर बनाना है। अगर अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो जरा ध्यान देना, मुझे इन तीनों को जीरो बनाना पड़ेगा, बराबर है सर? और ऊपर वाला वैसे ही रहने देना। अपर ट्रायंगुलर का मीनिंग क्या था अमन? नीचे वाला जीरो होगा। एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल शुड बी जीरो, द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल शुड बी जीरो। तो हाँ। मुझे इन तीनों को जीरो बनाना है, ऊपर कुछ भी रहे जीरो बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। सर 2 4 3 को भी कर सकते हैं ना? क्या 2 4 3 को भी कर सकते हैं ना? नहीं माइनस नहीं, नहीं समझा मैं क्या पूछा, सॉरी। 2 4 3 को भी जीरो कर सकते हैं ना सर? 2 4 ए भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन क्या करने बोला है? अपर ट्रायंगुलर बनाने बोला है, बराबर है? हाँ तो सर उस पे भी होता है ना सर, नीचे का जीरो तो डायगोनल उससे ले रहे हैं। नहीं अपर ट्रायंगुलर है तो सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन पढ़, कौन बोल उनसे बात कौन कर रहा है, कौन ज्यादा सोच रहा है इस समय? अपर ट्रायंगुलर तूने अगर कल 11th में अच्छे से पढ़ा है, अगर रिवाइज सच में किया है, तो उसमें क्या बोला गया था? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, सिर्फ इतना बताया गया था। अब इसके बाद मेरा सिंपल सा पॉइंट है, ये तीनों कैसे भी जीरो होना चाहिए, बाकी जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीनों जीरो होना चाहिए तो ही ये अपर ट्रायंगुलर बनेगा। समझाया अभी? हेलो हेलो सर, 2 2 1 3 डायगोनल हो सकता है ना? 2 1 3 कौन सा 2 2? हाँ नहीं one... अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अपर ट्रायंगुलर बोल रहा है, कौन सा पहाना कहानी पढ़ रहे हो तुम लोग? नहीं 2 1 3 डायगोनल, ये डायगोनल नहीं 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 11th में ये चीज नहीं सीखा है, डायगोनल सिर्फ यही कहानी बनेगी। किसने अभी वापस मुझसे बात किया? 11th में क्या कहानी पढ़ के आए हो तुम लोग? कल क्या रिवाइज किया? डायगोनल इज दिस वन, हेलो। हाँ सर, तुम लोग कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर रहे हो या परेशान कर रहे हो अभी, मुझे ऐसा लगता है, और बाकी टीचर को भी यही करते रहोगे। ये कहाँ से पढ़ा भाई, ये भी डायगोनल बन रहा था? दिस इज योर डायगोनल 1 1 4 1 1 4, दिस इज योर डायगोनल, इसीलिए सिर्फ ये तीनों एलिमेंट्स को तुम जीरो करो, बाकी कुछ मत सोचो, ठीक? और जो जितना कंफ्यूजन है ना, कहीं और एक काम कर, सर्च करके उसको निकाल अभी। एक तो ऑनलाइन में वैसे भी फेस टू फेस नहीं हो, समझाना मतलब खुद ही कंफ्यूज रहना होता है। दिख रहा है अभी मेरे भाई सब लोगों को? एक तो अच्छी बात है कि आज कैसे भी मुश्किल से वीडियो दिख रही है, आवाज भी जा रहा है। ओके, लेकिन लेकिन एक चीज, इस समय क्या बोला है, इसको जीरो तो करना है बट विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। 2 और 3 फर्स्ट कॉलम में है, दैट इज इन C1। C1 में इसको जीरो करना मुझे ज्यादा इजी लग रहा है इस समय, क्योंकि C1 changes to C1 minus 2C2, क्योंकि यहाँ पे 1 था।
दिखा मैं इसको जीरो करने जा रहा हूं और मैंने रूल अप्लाई किया ये C1 फर्स्ट कॉलम में है तो C1 changes to C1 minus 2C2 क्योंकि यहाँ 2 था तो 2C2 कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसके वजह से भी पूरे क्या फर्क पड़ेंगे देखो ये हो जाएगा C1 में चेंजेस आने वाले हैं C2 C3 को कुछ नहीं होगा तो C1 में क्या होगा 1 फर्स्ट एलिमेंट है 1 minus 2 into C2 minus 2 into minus 1 plus 2 so 1 plus 2 this is 3 now 2 minus 2 into 1 2 minus 2 this is 0 0 3 minus 2 into 2 4 3 minus 4 is minus 1 minus 1 baki as it is rahega बाकी तो कुछ नहीं हुआ ठीक। अब इसको जीरो कैसे बनाओगे देखो माइनस वन को माइनस वन को जीरो बनाने के लिए कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ सर उसको इनटू इनटू में से नहीं कर सकते उसको प्लस माइनस में ही करना पड़ेगा अगर कोई कॉलम से करना है तो और अगर प्लस माइनस किया तो वो जो जीरो है ना सर वो हिल जाएगा ऊपर का। हाँ यही सोचना है यही तो चैलेंजिंग है। पहले सेकंड कॉलम में कर देते टू को टू करो ना पहले टू कर देते सर किसको टू कर देते हैं ये अखिल बोल रहा है टू सी वन प्लस सी टू करो टू सी वन प्लस सी टू अगर मैं करता हूँ तो जीरो हो जाएगा जीरो का वन हो जाएगा। हाँ सर पहले सेकंड कॉलम करो ना। हाँ ये भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले इसको चेंज कर दिया जाए टू माइनस हाफ सी थ्री करो। देख इसके लिए ना इसके लिए हाँ अभय शर्मा जी ने क्या बोला सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस टू सी वन सी टू माइनस टू सी वन आई थिंक सी टू प्लस टू सी वन करेगा तो ये जीरो हो जाएगा सी टू प्लस ना। हाँ सर प्लस हाँ सर प्लस प्लस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा बराबर है यही सब इस तरह के सम्स का यही सारे चैलेंजेस हैं जो आप लोग को सोचना है। अगर मैं वैसा करता हूँ C2 changes to C2 plus 2C1 तो अब क्या होगा देखो फर्स्ट वन एज इट इज कोई चेंज नहीं C2 सो माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री सिक्स माइनस वन प्लस सिक्स ये फाइव हो गया फाइव वन प्लस जीरो ये तो वन ही रहेगा टू माइनस टू जीरो अब अभी भी माइनस वन इसको जीरो बनाना है सर फोर सी वन प्लस नहीं सर उसको प्लस माइनस से ही करना पड़ेगा ऐसे तो हो ही नहीं रहा है भाई। नहीं अभी भी हो सकता है ऑप्शंस हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा फर्स्ट कॉलम में है ना 4c1 प्लस c3 हो जाएगा सर 4c1 प्लस c3 करेंगे तो हो जाएगा जीरो। अरे मेरे भाई 4c1 प्लस c3 जैसे ही करेगा तो ये 3 हो जाएगा तेरा। हां वो जीरो भी तो ऐड होगा 3 में तो ये 3 हो जाता है सर तो प्लस से होएगा ही नहीं प्लस माइनस ट्रांसफॉर्मेशन से C1 नहीं नहीं वैसे नहीं कर सकते ना लाइक वो C1 into C2 नहीं कर सकते ये ऑपरेशन में नहीं है हाँ अभी एक दिमाग ये लगा सकते हो जो मुझे दिख रहा है अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहले मैं इसको जीरो करूँ मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन मैं इसको पहले जीरो कर दूं ठीक है और इसको जीरो करने के बाद फिर मैं इसको इसके हेल्प से जीरो कर सकता हूं सोच के देखो अगर एक बार थ्री जीरो हो गया तब सी वन सी थ्री को लेके हम लोग गेम खेल सकते हैं कि नहीं। हाँ यस सर बात कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ, मुझे इसको जीरो करने की सम के हिसाब से जरूरत नहीं है लेकिन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है
तो इसको सबसे पहले मैं जीरो कर दूं, और अगर ये एक बार जीरो हो गया तो उसके बाद मैं सी वन सी थ्री की हेल्प से इसको जीरो कर सकता हूँ, हो जाएगा सर। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सी थ्री चेंजेस टू सी थ्री माइनस थ्री सी टू, क्योंकि यहाँ वन था। सो दिस इज नाउ फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में देखो सी थ्री माइनस थ्री सी टू हुआ है, सी थ्री माइनस थ्री सी टू, टू माइनस थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, टू माइनस फिफ्टीन इज माइनस थर्टीन, थ्री माइनस थ्री इज जीरो, फोर माइनस जीरो इज फोर, अब नेक्स्ट ली वही फोर सी वन माइनस सी थ्री, अब कर सकते हैं सी वन changes to C1 4C1 plus C3 अब देखो, हाँ सर plus C3 4C1 plus C3 हो गया, अब वो जीरो हो जाएगा, देख लो 4C1 3 into 4 12 plus minus 13 so minus 1 4 into 0 0 plus 0 is 0 4 into minus 1 is minus 4 plus 4 is 0. 5, 1, 0, minus 13, 0, 4. ठीक सर, ऐसे तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं ना अगर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से। अमन तेरा अभी ये पॉइंट करेक्ट है, कंफर्म कैसे होगा राइट है या नो? हाँ, इसके लिए एक रूल है, अब मैं रूल पे जा रहा हूँ। रूल क्या है देखो, आपको रूल पे क्या, अगर ये रूल फोकस करोगे तो सबका आंसर सेम आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब याद करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बराबर, ये मैंने ऑर्डर 3x3 लिया, ठीक है, ये सिंपल रूल आपको फोकस करना है। अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो रूल ये बोलता है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम का अलग है रो का अलग है, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हो तो रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से देखते रहो और सुनते रहो। सबसे पहला स्टेप, इसको वन करो, ठीक, यहां कुछ भी रहेगा उसको वन करो। दूसरा स्टेप, इसको जीरो करो। तीसरा स्टेप, इसको जीरो करो। हेलो, दिख रहा है सबको? मैं अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से जाना है, ध्यान देना, रो ट्रांसफॉर्मेशन से जाना है तो सबसे पहला काम इसको वन करना, फिर इसको जीरो, फिर इसको जीरो, इसलिए मैंने स्टेप लिखा 1 2 3। मतलब आप बाकी कुछ भी नहीं देखोगे, सबसे पहले इसको वन कर लो, फिर इसको जीरो करो, फिर इसको जीरो को, आपका मेन फोकस स्टेप्स ऐसे ही चलेगा 1 2 3। फिर फोर्थ स्टेप, इसको पहले वन करो, फिर इसको जीरो, फिर इसको जीरो, जीरो को कोई भी ऑर्डर में ले सकते हैं ना? नहीं, ऑर्डर नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दे, स्टेप्स ध्यान दे रहा है तू, स्टेप्स मिस्टेक करेगा तो तेरा सब कुछ पूरा चेंज हो जाएगा, स्टेप मिस्टेक किया पूरा चेंज हो जाएगा, कंफर्म कर रहा था। वी हैव टोटल 9 एलिमेंट्स, राइट? यस, इन 3x3 वी हैव टोटल 9 एलिमेंट्स, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कॉलम वाइज जाना है, ध्यान दो, नाम पढ़ रहा हूं मैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा हूं कॉलम वाइज, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको सारे, पहली बात तो जैसे यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो रहा था कि मान लो मैं इसको जीरो करने जा रहा हूं तो ये चेंज हो रहा है, इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, एक तो वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे एंड सेकेंड थिंग सबका सेम मेथड से चलेगा, सारे आंसर सेम मिलेंगे, ठीक? सर, एक आप सबको समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
सर एवरीवन प्लीज फोकस करो जब भी क्योंकि इनवर्स में आपको यही काम आएगा। अब आपको कोई भी सम सॉल्व करना हो आपका फोकस एकदम क्लियर होगा। इफ इट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन देन 100 100 100 ये स्टेप्स फॉलो करोगे। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो रो वाइज जाओगे 100 100 100 100। सर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज जाना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कॉलम वाइज जा रहे हैं, देख लो ऐसे जा रहे हैं। तो जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो पहले ये वन तो वन ही रहेगा पहले, फिर इसको जीरो, फिर इसको जीरो, फिर इसको वन, फिर इसको जीरो, फिर इसको जीरो, फिर इसको वन, फिर इसको जीरो, फिर इसको जीरो। सर कॉलम का भी ऐसा 1 2 3 लिखते दो ना। वही बोल रहा हूँ, तुम लोग इतने भी नहीं समझ सकते या सोच सकते। दिख रहा है? हाँ सर। इसके अकॉर्डिंगली जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। डन। सबने देखा। अब इसके बेसिस पे किसी को कुछ पूछना है तो अब पूछ लो। अब तक हम लोग गेम खेल रहे थे, नॉर्मली सिर्फ करने बोला था, लेकिन इनवर्स में जब सॉल्व करेंगे या इसमें भी ये मेथड को अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सर ये कैसे जज हुआ सर, ये ऐसे ऐसे करना? ऑफ कोर्स सॉल्व करते करते निकाला गया रहेगा ना कि बाकी तरह से वो ये हो रहा है, चेंज होते जाते हैं वैल्यू। इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वही मिलता जाएगा। मतलब पहले तुझे वन बनाना था फिर जीरो बनाना है, अब जीरो बनाने के चक्कर में अगर ये चेंज हो गया तो मतलब क्या है? तो ये तो पहले वही रहना चाहिए ना, तो इसीलिए इस एक स्टेप्स पैटर्न क्रिएट किया गया जिसके वजह से कि तू अगर पहले जो कन्वर्ट किया वो भी चेंज ना हो, नहीं तो फिर मेहनत करने का मतलब क्या है। अच्छा आप में से कुछ लोग शायद सोच पा रहे होंगे, पता नहीं, अगर यही 2x2 ऑर्डर रहेगा तो। हेलो। हाँ सर बोलो। अगर ऑर्डर 2x2 है, चार ही एलिमेंट्स हैं, तो आपके रूल क्या बोलेंगे? सर वही जहाँ पे 4 है वो 3 हो जाएगा, फिर 1 फिर 0। हाँ 1 0 0 1 1 0 1 0 ऐसा। हाँ समझा। हेलो। हाँ सर। हाँ सर समझा। ठीक है, तो इस स्टेप्स पे हम लोग आज स्टॉप कर रहे हैं। इतना आपको ध्यान देना है ये पैटर्न पे, और इसके बेसिस पे आपको जो ट्राई